आज हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आ गया है। एक क्विक कंपैरिजन कर ली जाए, यहाँ में ये हमारा डब्बा है और यहाँ मेजरमेंट हो रही है। ये एक 8K टीवी है और इस टाइम पे एक्चुअली 8K पे चीजें हैं वो थोड़ी कम है, और जो चीजें हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेट्स गो, सबसे पहले अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेंगे। टीवी अनबॉक्सिंग रखा हमने पीछे रखा है, हमने सारी सामग्री रेडी कर ली। चमकती रैम वाला पीसी, उसके बाद थोड़ा कम चमकने वाला PS5 और हमारा जुनून, सब साथ में मिलके टेस्टिंग करी जाएगी इसके ऊपर। बट उससे पहले ये साउंड बार खोल लेते हैं। ये कुछ हमारी तारे लाल लाल कलर, उसके साथ और तारे, भाई और तारे हमारे पास सिर्फ लगी नहीं, और ऑफकोर्स सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तकें, छोटे छोटे और स्पीकर। ये भी मेरे ख्याल से अकेले ही काफी तगड़ी साउंड दे देंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, काफी टेक्सचर्ड से फिनिश दे रखी है। डॉल्बी जी का भी आशीर्वाद फुल टू। फाइनल टाइम आ गया है। ये है सैमसंग की HWQ950A, एक 600 वॉट प्लस की ये साउंड बार है, मतलब पूरा साउंड सिस्टम है। जो छोटी छोटी चीजें होती है इसमें, जो तार कनेक्टेड है नीचे की साइड पे, इसमें ऐसे कहीं पे पीछे की साइड वायर नहीं लगी, तो आप इसको किसी भी दीवार से एकदम पूरा चिपका के लगा सकते हो। इसमें जितने कॉम्पोनेंट है सारे बिना वायर के अपना मेल मिलाप हो जा रहा है, और सेम टू सेम टीवी के साथ भी, टीवी के साथ भी वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। गाना है मुझे सुनाना, और सुबह सुबह उठ के बहुत जोर से नहाना, नहाने का वेरी शौक। बट आज हमारी शीशों की टेस्टिंग हो जाए। लेट्स सी 600 वॉट्स हमारे दिल को वाइब्रेट्स कर पाता है कि नहीं। लेट्स गो। What if I tell you, अभी वॉल्यूम इस 30% 100% में हम साइड में खड़े नहीं हो पाएंगे मेरे ख्याल। 100, 1, 2, 3 देखो दोस्तों, नॉर्मल साउंड बार और इस साउंड बार में फर्क मेरे को सबसे बड़ा, और तो फीचर्स और भी हैं, एलेक्सा बिल्ट इन है, थोड़ा और भी चीजों का सपोर्ट है, फिर उसका टैप करके आप फोन से चला सकते हो, बट जो साउंड है वो बहुत ही ज्यादा फुल है। तो यूजुअली अगर आप कोई स्पीकर लेते हो, कोई भी साउंड बार अगर आप लेते हो, उसको कम वॉल्यूम पे बजाओगे तो बहुत ही एक, मतलब ऐसा लगे एक तरफ से आवाज आ रही है, बट इसमें अगर आप लो वॉल्यूम पे भी बजाते हो तो पूरा रूम भर जाता है, एकदम पिक्चर हॉल वाली फील देता है एकदम। बड़ा फाइनली ये सबसे ज्यादा दिल को ऐसे लुभाने वाला स्टेप। Oh my God, मजा आ गया। ये है Samsung का QLED 8K TV QN800A। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, बट ये मेरी उंगली से भी ज्यादा पतला टीवी, ऑलमोस्ट एक बड़ी टैबलेट वाली फील आ रही है। और बेसिकली होता है क्या कि ज्यादा टीवीज में आपको HDMI केबल लगानी है या कोई USB केबल लगानी है, तो आपको टीवी के पीछे जा जाके लगानी पड़ती है, बट इसमें एक काफी तगड़ा सिस्टम दे रखा है। टीवी से बस एक पतली सिल्वर वायर आती है और ये सारी वायर्स आके इस बॉक्स में आ जाती है। इसमें आपको जो भी चीजें कनेक्ट करनी है, 4 HDMI है, फिर उसके बाद बाकी सारी भी चीजें। एक चीज मेरे को थोड़ी सी मिसिंग लगी, इसमें अगर USB-C का भी सपोर्ट होता तो काफी बढ़िया रहता, क्योंकि काफी सारी HDMI केबल्स 8K सपोर्ट नहीं करती, बट ज्यादातर थंडरबोल्ट केबल्स या USB टाइप सी केबल्स 8K सपोर्ट करती हैं। वैसे मैंने ऑन करने के लिए रिमोट ही उठाया था, और ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसमें AA वाली बैटरी नहीं है, इसमें USB-C लगा के आप चार्ज कर सकते हो, बट रिमोट के पीछे की साइड देखोगे तो एक वियर्ड सा ऐसे एक खांचा सा बना हुआ है। ये वाला रिमोट भाई सूर्य देवता की शक्ति से बस चार्ज हो जाता है। एक दो दिन तो हमने सनलाइट भी बंद कर रखी थी, बस उल्टा रखा था रिमोट, ये ऊपर वाली जो लाइट है इनसे ही बड़े आराम से चार्ज हो गया। तो डेफिनेटली भाई रिमोट को बस उल्टा रखना है। बट अब आ गए फाइनल टाइम पे। 1, 2, 3 चालू क्यों नहीं हो रहा, पास में ले जाएगा। आपने तार लगाई थी क्या? ओह सॉरी, तार लगाना भूल गए थे। 1, 2 चीज मैं नोटिस करी, जो बेजल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा कम है, और इस टीवी के जस्ट एकदम सामने करो तो रियलाइज हो रहा है भाई ये काफी बड़ा है। सबसे पहले नेटफ्लिक्स हमने चालू कर लिया है, चिल भी हमने चालू कर ली, आईडी पासवर्ड दोस्त से मांग लेते हैं। Amazon Prime पे चला के देखेंगे भाई, थिएटर वाली फील आ रही है। इस वाले टीवी का रेजोल्यूशन इतना ज्यादा है, जैसे प्राइम वीडियो का भी जो लोगो आ रहा है ना, इसमें भी मेरे को फील हो रहा है कि हल्का सा कम रेजोल्यूशन वाला है, और मैं ऑलमोस्ट स्पॉट कर सकता हूँ कौन सी चीज 4K में है, कौन सी 8K में है, कौन सी 1080p में। ऑनेस्टली बताऊं, प्राइम और नेटफ्लिक्स अभी 8K सपोर्ट नहीं करता है, बट ये 4K को भी अपस्केल कर देता है। और मैं जब देख रहा हूँ तब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मैं शुभम की दाढ़ी भी देख सकता हूँ, और एकदम ऑनेस्टली अगर मैं एक चीज बताऊं, मैं एकदम पास कर रहा, और यहाँ से भी मैं पिक्सल्स या फिर जो LEDs भी होती है ना वो स्पॉट नहीं कर पा रहा। ये पिक्सल्स इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि जो इसमें LEDs हैं वो 40 टाइम्स स्मॉलर हैं जो नॉर्मल LEDs आती हैं। इस वाली टेक्नोलॉजी का नाम क्वांटम मैट्रिक्स टेक प्रो, और दोस्तों बचपन हम सबको बताया जाता था टीवी के पास खड़े होकर नहीं देखा जाता, बट वो इसलिए बताया जाता कि वो टीवी बेकार थे। दोस्तों रीडिफाइनिंग माता पिता के आदर्श विद टेक्नोलॉजी, वेरी नाइस। Oh,
में काफी सारी और इंटरेस्टिंग वीडियो हमने ट्राई करी। सबसे पहली 8K वीडियो अर्थ की, उसके बाद गूगल अर्थ हमने चलाए, नेचर की फोटोज देखी, वॉलपेपर्स देखे 8K, सारे काफी बढ़िया लग रहे थे देखने में। बट 8K की तलाश में हम आ गए हैं यूट्यूब पर सब कुछ मिलता, हम भी यूट्यूब पर हैं। ओ भाई, विल स्मिथ के हाथ के बाल देख सकता भाई, मैं इतना ज्यादा क्लियर संभाला नहीं जा रहा भाई मेरे से। भाई दाढ़ी दिख रही है भाई, कितनी क्लियर फिंगरप्रिंट दिख रही है भाई मेरे को हाथ की। मैंने बहुत सारे 4K टीवी देख रखे हैं, बट इतनी छोटी डिटेल जब आप नॉर्मली मूवी देखते हो आप इग्नोर भी कर देते हो, बट इसमें जब आपको दिखाई देते कि भाई एक्चुअल फिंगरप्रिंट दिख रहा है भाई, एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस डेफिनेटली आता है। और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस की बात कर ही रहे तो आवाज भी ऑन कर ली जाए। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हो क्यू सिंफनी लिखा हुआ, टीवी प्लस साउंड बार दोनों का एक साथ दिखा रहा है। ये वाला फीचर हमने पहले भी सैमसंग की टीवी में ट्राई कर रखा है, बट इस वाली साउंड बार में और टीवी में भी क्यू सिंफनी करके फीचर है जिसमें ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, और साउंड बार के सारे स्पीकर एक वहां पे पड़ा हुआ है और एक सब ऊपर नीचे है और एक उस वाले कोने में, सारे एक साथ सिंक में चलते हैं। ओ भाई। और ऑल्दो मैं साउंड की टेस्टिंग करने के लिए मैंने ये चलाया था, बट भाई ऐसा लग रहा है मैं रियल लाइफ में एक्चुअल स्टेडियम में बैठ के देख रहा हूँ, मैं बस इसके साथ में खड़ा हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड प्रो है, जैसे जैसे इधर उधर जा रहा ना ये आवाज स्पीकर्स की उसी को फॉलो कर। इससे पहले मैंने जो फीचर ट्राई करा था वो छोटे टीवीज में ट्राई करा था, बट इसमें क्योंकि भाई पूरा सरापू मानवर था इधर से उधर, तो आवाज भी अलग अलग डायरेक्शन आती है। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज, इसमें अडैप्टिव साउंड भी है, तो अगर समझ लो पीछे से नॉइज आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो उसको ये अडैप्ट करके काफी एक इंटरेस्टिंग साउंड क्रिएट कर देता है। वेरी मच आ गया है। बट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी रंगीन रैम वार्म अप हो गया है, सबसे पहले हम चलाएंगे PS5 भाई, खेलेंगे ऑफ हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, जीत हमारी होगी भाई। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, रियल लाइफ और फीफा में बड़ा डिफरेंस भाई, ऑलमोस्ट खत्म सा हो रहा है। एक्चुअली सीन क्या है कि PS5 ऑल्दो 4K में प्ले कर रहा है, बट ये टीवी ना उसको इमेज को अपस्केल कर दे रहा है, तो ये एक्चुअली 4K से बेटर देखने के लिए मिल रहा है भाई। ओ टांग तोड़ दे भाई, टैक दे भाई, टैक दे, फ्री किक ले रहा है। रुक भाई, मार ले नहीं आए। स्पाइडरमैन एक्चुअली एक ऐसी गेम है जो काफी हद तक ऑप्टिमाइज्ड है भाई, पूरा मूवी जैसी फील आ रही है भाई इसमें। भाई ने हेयर कट भी मेरे जैसा करा रखा है, जब से रे ट्रेसिंग आई है ना तब से ऑलमोस्ट भाई गेम्स और रियल लाइफ में फर्क खत्म सा हो गया भाई, अब रियल लाइफ की ग्राफिक्स कम लगने लगी। ओ भाई, अरे अंकल जी क्या दिक्कत हो गई, अरे हटो, अरे भाई इतनी भीड़ क्यों कर रही है, ये लो, वाओ परेशान कर दे सबको। देखो 4K अपस्केल में मजा आ रहा था, बट 8K वाला हमारा सिस्टम हो गया 100% रेडी। एक्साइटमेंट भाई बढ़ती जा रही है, ये पहली गेम है जो हम 8K में खेलने वाले। ये जो कट सीन्स हैं ये भी एक्चुअल 8K में नहीं है, अब तो भाई स्पॉट भी कर लेता हूँ क्योंकि डिटेल थोड़ी कम लग रही है। ओ भाई ये 8K चालू हो गया भाई। ओहो भाई एक सेकंड बस, गाड़ी रोक के मैं ग्राफिक्स ही देख लूं भाई, जीवन में रियल लाइफ लग रही है भाई। डेवलपर्स ने जितनी भी चीजें डाली है, पत्तियां पड़ी हुई हैं, उसके बाद जो पत्थरों का टेक्सचर है, मैं सारी चीजें बहुत ही क्लियरली देख सकता हूँ। एक बहुत ही वियर्ड चीज, इसमें गेमिंग में हम 32:9 तक रेशियो में जा सकते हैं, और ऑल्दो टक्कर मार मार के चला रहे हैं, बट भाई काफी इमर्सिव सा एक्सपीरियंस है, और हमारा कंप्यूटर हैंडल कर पा रहा है मैं उसी के लिए हैरान हूँ। ओ ओ ये हमको इज्जत नहीं भाई गाड़ी की, हम तो भाई हैवी ड्राइवर हैं, सबकी मौज करा देंगे भाई। अब जो 8K पे खेल रहे हैं वही नेक्स्ट लेवल मुझे। अभी जो कट सीन वापस आ गया, ये कट सीन 1080p है भाई, फर्क पता चल जाता है। अरे आप तो हार रहे हो। अरे हैरियर की आदत है ना मुझे, एकदम और बताओ, हम काफी सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, पर इस टीवी का भी काफी प्रीमियम प्राइस है, 8 लाख रुपए आप देते हो, पर जो एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलता है वो अनमैच्ड है। आप गेमिंग कर लो, नेटफ्लिक्स देख लो, अमेजोन प्राइम, आप 4K वाली वीडियो भी देखोगे तब भी आपको 8K वाली फील आएगी, और ये ऑटोमेटिक स्मूथ भी कर देता है जो एक्चुअल डिस्प्ले है, उसमें कलर्स कॉन्ट्रास्ट सारी चीजें एकदम टॉप ऑफ द लाइन, और हमारे लिए भी भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है इसको ट्राई करना। पर अब मेरे जितने भी लोग डिसाइड करते हैं भाई इस टीवी को लेने के लिए, डेफिनेटली भाई काफी मजेदार एक्सपीरियंस रहेगा। बता था इस वाली वीडियो के लिए, होपफुली आपको अच्छी लगेगा, अगर लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियोस में। बाय बाय।